हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको ये बात पता ही होगी कि मैं हूँ अभी दिल्ली में, माने कि मैं अपने मम्मी पापा के पास आई हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेके आई हूँ, जैसे कि मेकअप और स्किन केयर में मैं कौन कौन से प्रोडक्ट लेके आई हूँ, आज के वीडियो में मैं यही आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सभी बातें तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं जो भी प्रोडक्ट लेके आई हूँ, इनमें से मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ ही साथ जिन प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ नहीं किया है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैं आई थी कुछ तैयारी के साथ, लेकिन यहाँ पे इतना टाइम नहीं मिल पाया तो मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, बट मैंने ऐसा सोचा था कि मैं यहाँ पे भी वीडियोज़ बनाऊँगी। बट कोई नहीं, मैं आपके साथ कुछ शेयर तो कर सकती हूँ कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रही हैं, तो आप अपने साथ कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट, या आप अपनी मेकअप किट कैसे बना सकती हैं, आप अपनी स्किन केयर किट कैसे बना सकती हैं, आज के वीडियो में मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप कन्फ्यूज़ हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो यहाँ पे मैं कोई नंबर वाइज नहीं शो करूँगी, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने स्किन केयर प्रोडक्ट, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा मेकअप किट जो मैं यहाँ लेके आई हूँ। तो एक एक करके मैं आपके साथ सारे प्रोडक्ट शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है नेल पॉलिश रिमूवर। फ़िलहाल मैंने नेल पॉलिश अप्लाई नहीं की है, बट मैंने एक दिन नेल पॉलिश अप्लाई की थी जिसे मैंने रिमूव किया था, तो उसके लिए है नेल पॉलिश रिमूवर। क्योंकि नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो आपके पास होना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप कहीं भी जा रही हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट था वो। सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है रोज़ वाटर। इसमें से जो रोज़ वाटर है वो थोड़ा सा लीक कर गया, जो कि मेरा वेस्ट हो गया, बट मैं रोज़ वाटर भी अपने साथ लाई हूँ, क्योंकि आपको ये बात पता है कि मैं टोनर की जगह पे इस टाइम रोज़ वाटर ही यूज़ कर रही हूँ, टोनर और फेस मिस्ट दोनों के लिए। तो ये तो हुआ दूसरा प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो है वो है सीट मास्क, जिसमें से मैंने सीट मास्क काफ़ी यूज़ कर लिए हैं, और सिर्फ ये दो ही बचे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी के जो सीट मास्क हैं या थे वो मैंने यूज़ कर लिए हैं, क्योंकि सीट मास्क भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये बात मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है। वेट वाइप, फ़िलहाल मैं वेट वाइप दो लेके आई हूँ, एक है कारा का, दूसरा है हिमालय का। जो हिमालय का वेट वाइप है वो मेरे हैंडबैग में है। वेट वाइप्स के लिए मैंने दो वेट वाइप्स अपने साथ लाई हूँ, पहली है कारा की वेट वाइप्स और दूसरी है हिमालय की। हिमालय की जो वेट वाइप है वो मेरे हैंडबैग में है, क्योंकि एक वेट वाइप मैं अपने हैंडबैग में भी कैरी करती हूँ अपने साथ। तो ये था नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कॉटन पैड्स, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो मेकअप रिमूव करने के लिए हो या फिर स्किन केयर के लिए हो, तो आपके पास ये भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो कॉटन बॉल भी यूज़ कर सकती हैं, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लाई हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिप बाम, तो इसके बिना मेरा कोई भी काम नहीं चलेगा, ये आपको पता ही है। टी ट्री ऑयल, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मैंने आपके साथ कई बार ये बातें शेयर की हैं कि अगर आपके फेस पे हल्का सा भी पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके पिंपल और एक्ने को वहीं पे कंट्रोल कर लेता है। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ये सुनने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मॉइस्चराइज़र, तो ये है लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र सॉफ्ट क्रीम। तो मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप में से कई सारे लोगों ने कहा था कि मतलब कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छी होगी या कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छी होगी, तो मैं फ़िलहाल ये बता दूं कि मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ऑयली है, लेकिन फिर भी मैं इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करती हूँ और ये मेरे फेस को बिल्कुल भी ऑयली, ग्रीसी या चिपचिपा नहीं बनाता है। फ़िलहाल आज भी अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैंने यही मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ की है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, तो इसके बारे में भी मुझे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दूँ, तो ये बात आपको पहले ही पता है।
सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन के बिना आपको नहीं जाना चाहिए कहीं भी, यहाँ तक कि आपको घर में भी सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए। ये बातें मैंने आपके साथ कई बार शेयर की हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक फेस पैक, और ये है बेला वीटा का ऑयल कंट्रोल एंटी एक्ने नीम चंदन फेस पैक। तो इसके बारे में भी मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। फिलहाल यहाँ पे मैं जब से आई हूँ तब से मैंने इसे सिर्फ एक बार ही यूज़ किया है, क्योंकि इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपने फेस पे कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो मुझे फेस पैक की या स्किन केयर प्रोडक्ट की इतनी नीड नहीं होती है। तो इसलिए मैंने इस फेस पैक को अब तक में सिर्फ एक बार ही यूज़ किया है। उसके बाद आ जाती है मेरी पिंपल वाली क्रीम, तो इसे भी मैंने यूज़ नहीं किया है एक भी बार, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बाकी कुछ कॉटन बड्स हैं जो कि यूज़ ही नहीं होते हैं, क्योंकि मेकअप नहीं कर रही हूँ तो इनका यूज़ भी नहीं होना है। अब बारी आ जाती है कुछ और प्रोडक्ट की, जो कि जैसे कि है फेस वॉश। तो फेस वॉश अभी बाहर है, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। बाकी अब सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं मेकअप वाले, तो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ अपना मेकअप किट जो मैं यहाँ लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर कर दूँ कि यहाँ पे मैंने एक भी दिन मेकअप नहीं किया है, यहाँ तक कि मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं किया है। तो ये मेरी मेकअप किट जो है वो ऐसी ही रह गई, मैंने इसे यूज ही नहीं किया है। बट फिर भी अगर आप कहीं जा रहे हैं, इन केस आपको वहाँ से किसी पार्टी फंक्शन में जाना हो, डे टाइम का कोई लुक क्रिएट करना हो या नाइट टाइम का कोई लुक क्रिएट करना हो, तो ये मेकअप किट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पाउच से स्टार्ट करूँगी। तो इसमें है टिश्यू पेपर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके पास होने ही चाहिए। उसके बाद लिपस्टिक की बारी है। तो लिपस्टिक में मैं काफ़ी सारी लिपस्टिक लेके आई हूँ, जिन्हें मैंने यूज़ नहीं किया है लेकिन मैं फिर भी इन्हें लाई हूँ। तो नायका की सो मैट न्यूड और मेबलिन की दोनों लिपस्टिक है क्रीमी मैट, और किस ब्यूटी की मैट लिप, और ये कौन सी है, निल्फ यूएसए की द मायामी मैट, ब्लू हेवन की नॉन ट्रांसफर लिप कलर, एलेटीन की कलर पॉप मैट लिपस्टिक, और मिस क्लेयर की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम। बस आई थिंक लिपस्टिक में इतने ही हैं, बाकी आगे जो भी होंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सिंदूर, उसके बाद मैं नेल पॉलिश भी लाई हूँ, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर, नॉट हैंड वॉश, नेल पॉलिश, और ये एन वाई बे की नेल पॉलिश हैं दोनों, और ये है पर्पल की नेल पॉलिश। हालांकि मैंने इन्हें यूज़ नहीं किया है, और एक नेल पॉलिश और भी है जो मैंने एयरपोर्ट पे अपने नेल्स में अप्लाई किया था, वो मेरे हैंडबैग में ही रखी हुई है। बाकी हेयर पिन जिनका यूज़ ही नहीं हुआ, बिंदी, इन्हें भी मैंने यूज़ नहीं किया है, और सेफ्टी पिन, क्लचर। तो ये था इसका सामान। उसके बाद है मेकअप रिमूवर, तो ये होना आपके पास इम्पॉर्टेंट है। मैंने वैसे भी आपके साथ कई बार शेयर किया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप क्लिंजिंग वाटर को मेकअप रिमूवर के लिए ही यूज़ करें या मेकअप रिमूव करने के लिए ही यूज़ करें। आप इसे अपने फेस को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन नाइट में या डे में जब भी आप यूज़ करना चाहें, क्योंकि ये आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। काजल के बिना कोई काम नहीं होगा। उसके बाद मैं आई शेडो के लिए तीन आई शेडो पैलेट लाई हूँ। पहला है यूरोप गर्ल पेरिस का आई क्रीम, और दूसरा है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट, और तीसरा है मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट, और ये है रीलोडेड न्यूट्रल्स 2। इसका लुक भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। फिलहाल मैंने प्लान तो बहुत कुछ किया था, लेकिन इसके साथ मैंने अभी तक कोई भी लुक शेयर नहीं किया। इसका जो सेकेंड वाला पैलेट है, उसका रिव्यू या उसके साथ कोई मेकअप लुक मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किया है, बट उसके साथ भी नेक्स्ट लुक मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी।
नेक्स्ट प्रोडक्ट है हाइलाइटर और ये है सिवाना कलर्स का सिमर ब्रिक। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लश और इसमें भी हाइलाइटिंग शेड है, कॉन्टोर शेड है। तो ये है सिवाना का अल्ट्रा ब्लश पैलेट, मिस क्लेयर का फुल कवरेज मेकअप पॉट, सोचा था मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए। फाउंडेशन के लिए मैं सिर्फ एक ही फाउंडेशन लाई हूँ और ये है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। मैं फाउंडेशन के लिए सिर्फ यही एक फाउंडेशन लाई हूँ क्योंकि इस फाउंडेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइट वेट है और दूसरी बात यह है कि आप इसे डे टाइम और नाइट टाइम दोनों के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। मीडियम कवरेज है बट आप चाहें तो इसकी कवरेज को बिल्ड कर सकती हैं, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। एक लिपस्टिक और है, ये है लैक्मी की 9 to 5 लिपस्टिक और उसके बाद है बीबी क्रीम और सीसी क्रीम, गार्नियर की बीबी क्रीम और पॉन्स की सीसी क्रीम जो है वो मेरी फिनिश हो चुकी है। उसके बाद है कुछ लिप लाइनर और लिप क्रियोन, तो ये हैं 3 लिप लाइनर जिन्हें मैंने यूज़ ही नहीं किया। उसके बाद NYBAY के 2 लिप क्रियोन जिन्हें भी मैंने यूज़ नहीं किया है लेकिन मैं इन्हें अपने साथ लाई हूँ। स्टेकवर्की का लिक्विड आईलाइनर, वेट एंड वाइल्ड का कोल पेंसिल, मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल क्योंकि आईब्रो पेंसिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मस्कारा के लिए मैं सिर्फ वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा लाई हूँ क्योंकि अब भी ये मस्कारा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और ये मैंने आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर किया था, तो मैंने उसमें भी ये बात आपके साथ शेयर की थी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कंसीलर और ये है मेबलिन का फिट मी कंसीलर। उसके बाद है ब्लू हेवन का फेल्टिप आईलाइनर, स्केच आईलाइनर, और प्राइमर के लिए मेरे पास सिर्फ एक प्राइमर है और वो है लैक्मी का, तो मैं इसे भी अपने साथ लाई हूँ। हालांकि मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया है बट मैं ये भी अपने साथ लाई हूँ। उसके बाद पाउडर के लिए मैं लूज़ पाउडर मैंने अपने साथ कैरी किया है क्योंकि मेरा जो कॉम्पैक्ट था वो ब्रेक हो चुका था, तो मैंने उसे ट्रैवल के लिए यूज़ नहीं किया है। और उसके बाद आ जाता है मेकअप ब्रशेस, तो इसमें मैंने दोनों शेड के मिक्स कर लिए हैं मेकअप ब्रशेस। मेकअप ब्रश के लिए मैंने दोनों मेकअप ब्रश के जो सेट थे उसमें से मेकअप ब्रशेस जो हैं वो मैंने मिक्स कर लिए हैं, जैसे ये फाउंडेशन ब्रश और उसके बाद ये आई मेकअप के ब्रश। फिलहाल मैंने मेकअप किया ही नहीं तो इसकी ज़रूरत भी मुझे नहीं पड़ी, लेकिन मैं इसमें एक ही किट में मैंने सारे मेकअप ब्रशेस जो हैं वो स्टोर कर लिए थे इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़ती। तो जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है हेयर स्ट्रेटनर, क्योंकि इससे आप हेयर को अपने कर्ल भी कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं ये भी लाई थी जिसकी ज़रूरत भी मुझे नहीं पड़ी थी बट मैं लेके आई थी ये सारे सामान। तो ये था पूरा मेकअप किट और स्किन केयर किट। अब आप सोच रहे होंगे कि स्किन केयर में कुछ प्रोडक्ट मिसिंग हैं, जैसे कि स्क्रब, माने कि एक्सफोलिएट करना भी इम्पॉर्टेंट है, बट इतना चलता है क्योंकि आप इतने दिन के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं कि आप अपने लिए डेली स्क्रब कैरी करें। तो फिलहाल मैं अपने साथ इतनी ही चीज़ें लेके आई हूँ, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप अपने लिए मेकअप किट बनाना चाह रही हूँ तो आप अपना मेकअप किट जो है वो अच्छे से बना सकती हैं। फिलहाल इसका जो एक वीडियो है मैं उसे अलग से शेयर करूँगी कि अगर आप अपना मेकअप किट बनाना चाहती हैं जिसे आप ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकें, साथ ही साथ उससे आप अपना डे टाइम मेकअप लुक और नाइट टाइम का मेकअप लुक क्रिएट कर सकें, तो आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल रहेगा, तो मैं उसे अलग से ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि कुछ प्रोडक्ट अभी मेरे थोड़े से इधर उधर हो गए हैं, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।